बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि इन दोनों भाइयों के बीच में कंपैरिजन हो जाए, जीटी मास्टर एडिशन और जीटी नियो 2। मैंने सोचा चलो इसके ऊपर ही भी काम करते हैं, तो आज हम कैमरा कंपेयर करेंगे। सो यहाँ पे ऑन पेपर तो दोनों ही कैमरास के मॉड्यूल एक जैसे ही हैं, बट देखते हैं कि दोनों बेटर फोटोज कौन सी ले पाता है और वीडियो किसकी बेटर यहाँ पे निकल कर आती है। वैसे दोनों को मैंने अच्छे से यूज कर लिया है, अभी मैं आपको एक पिक्चर दे सकता हूँ। और ऐसे वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर से दबाएं। सो गाइस, मास्टर एडिशन में एक अपडेट आया था जिसकी वजह से फोटोज बहुत ज्यादा बेटर आने लगी है, मेरे को यहाँ पे नोटिस हो रहा है। और एक चीज कहूंगा, दोनों के कलर्स में थोड़ा सा फर्क यहाँ पे देखने को मिला। थोड़ा सा नियो 2 ने सैचुरेशन ज्यादा रखी है, स्काई दोनों में रिटेन्ड है, बट थोड़ा सा बेटर लग रहा है ME में, बट दोनों ने ही शेडोज में से अच्छी डिटेल निकाल के दी है। सो आई थिंक GT Neo 2 में भी एक सॉफ्टवेयर अपडेट की नीड है, उसके बाद कलर्स थोड़े से नेचुरल आ पाएंगे। अभी थोड़ा सा वॉर्म टोन में जा रहा है, बट यहाँ पे एक चीज तो जरूर से है कि हाँ, स्काई हल्का सा बेटर आ रहा है ME के अंदर। तो इस फोटो के अंदर मेरे को GT Neo 2 की तरफ से लीव्स के ऊपर हल्की डिटेल एक्स्ट्रा मिली है, बट हल्का सा बूस्ट करता है फोटो को, बट ME थोड़ा सा इतना बूस्ट नहीं करता। सैचुरेशन में आपको थोड़ा सा फर्क लगेगा, बट ओवरऑल दोनों की फोटोज काफी अच्छी है। अभी एक्चुअली Neo 2 हल्का सा जो कलर बूस्ट करता है ना, हल्की सी ब्राइट फोटोज लेता है ना, उसकी वजह से थोड़ी कलर और भी आई प्लीजिंग लगती है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे मैं पॉइंट दूंगा GT Neo 2 को। बाकी ME ज़्यादा पीछे नहीं है, वो भी कमाल फोटोज खींचा है, डिटेल्स के मामले में काफी अच्छा है, बट थोड़ा सा फोटोज और ब्राइट हो सकती है। तो ये देखो डिफरेंस, मैं ये बता रहा हूँ आपको, जैसे कि पीछे आप पीछे वाला प्लांट जो बोके में, वो भी देखोगे ना शेडोज में से काफी अच्छी डिटेल्स निकाली है Neo 2 ने। GT ME थोड़ी सी डार्क फोटोज ले रहा है, ये थोड़ा सा देखने वाली काम है। वो यहाँ पे ब्रिक्स के ऊपर साफ नोटिस हो रहा है कि GT Neo 2 डिटेल्स और शार्पनेस काफी बेटर रखता है। सो ये फोटो ऑटो फोकस पे नहीं ली, मैंने टैप किया था, और टैप करने के बाद देखो यहाँ पे फर्क लीव्स में डिटेलिंग का फर्क आया। Neo 2 ने काफी शार्प लिया लीव को, और जो बीच के पैटर्न है वो भी काफी अच्छे से लिए गए हैं। ME ने कोशिश की है काफी अच्छी, थोड़ी फोटो जरूर से ब्राइट रखी है, बट उतनी डिटेल्स कैप्चर नहीं कर पाया। सो हाँ, इस ट्रिकी शॉट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिला मुझे। अभी आप पूरे के पूरे यहाँ पे प्लांट को देखें, जो साइड वाला प्लांट है उसकी लीव्स को देखें, GT Neo 2 ने जो यहाँ पे शेडोज में से डिटेल निकाली है, कलर्स निकाले हैं, वो काफी मजेदार है। GT ME ने काफी डिसेंट फोटो खींची, स्काई भी रिटेन किया है, बट यहाँ पे ओवरऑल पिक्चर आप खुद ही देख सकते हो। सेम केस विद दीज पिक्चर्स, यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देखो Neo 2 की और राइट साइड GT ME में, मतलब बहुत सारा फर्क है यहाँ पे। तो अभी Neo 2 और GT ME की दोनों की फोटोज को जरा तालों की तरफ नजर मारो, यहाँ पे जो फर्क है आपको पता चल जाएगा। जो लॉक है ME में थोड़ा सा सॉफ्ट आया ड्यू टू वो जो पीछे से रिफ्लेक्शन आ रही थी सन की, बट Neo 2 ने उस चीज को अच्छे से संभाल लिया और बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड और शार्प यहाँ पे उठाया फोटो। अभी ह्यूमन स्केल के ऊपर यहाँ पे दोनों ही परफेक्ट यहाँ पे फोटोज नहीं खींच पाए, क्योंकि ME ने थोड़ा सा कूल साइड पे फोटो खींची है, और यहाँ पर अगर मैं Neo की बात करूँ तो ये थोड़ा सा वार्म साइड पे चला गया, तो ये थोड़ा कलर्स का आपको फर्क पता चलेगा। बट मेन थिंग इस डिटेल्स में दोनों में फर्क नहीं है, स्किन टोन्स जो मतलब अलग अलग जरूर आएंगे, बट डिटेल्स में फर्क नहीं है। तो हल्की हल्की एडिटिंग करके आप दोनों में काफी अच्छी ह्यूमन फोटोज ले सकते हो, बट ओवरऑल मेरे को Neo 2 हल्का बेटर लगता है शार्पनेस में, अगर आप बालों वालों की यहाँ पे डिटेल चेक करो तो। तो हाँ, सेम केस विद द पोर्ट्रेट, और थोड़ा दादाजी भी कंफ्यूज थे, मतलब सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के टाइम पे 7 बजे कौन फोटो ही लेता है, बट सेम केस। यहाँ पे मैंने अल्ट्रा वाइड भी कंपेयर किया है, तो ME में आप देखोगे कि प्लांट के शेडो में से ज्यादा अच्छे कलर्स निकल रहे हैं, बट बाकी ओवरऑल जो कलर्स है ना थोड़े से ब्राउन आउट है, बट यहाँ पे अगर आप Neo 2 में देखोगे तो डिटेल्स एंड शार्पनेस ज्यादा है, थोड़ी शेडोज में से इतनी अच्छी डिटेल नहीं निकाल पाया, बट ओवरऑल मेरे को थोड़ी सी बेटर फोटो लगी। सेम थिंग यहाँ पे भी Neo में आप देखेंगे शेडोज और GT ME में देखेंगे शेडोज, तो यहाँ पे काफी फर्क है, बट कलर्स और शार्पनेस देखो आप, शार्पनेस काफी ज्यादा है Neo 2 में, डिटेल ज्यादा कैप्चर करता है, सो ये चीज है। बट यहाँ पे जब मुश्किल बात आई ना, तो ME ने ना ही तो सन को इतने अच्छे से लिया है, ना ही ग्राउंड को इतने अच्छे से लिया, ना ही प्लांट को इतने अच्छे से लिया, बट यहाँ पे आप डिटेल्स देखो ME 2 में और शेडोज भी देखो, सन को भी देखो, ओवरऑल वाओ पिक्चर। मेरे को एक पर्सन नहीं लगता कि मेरे को अभी आपको यहाँ समझाने की जरूरत है कि Neo 2 का मैक्रो कितना ज़्यादा बेटर काम कर रहा है, ME में वो कलर्स ही नहीं आ पाए जो कि Neo 2 ने यहाँ पे उठा लिए। तो ये है एक्सट्रीम लो लाइट, जिसमें Neo 2 ने थोड़ा सा कलर्स अच्छे से निकाल के दिए मेरे को, और GT ME थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, बट इतना भी नहीं दिख रहा था वैसे नेकेड आई से, बट दोनों कैमरा से कलर्स एक्चुअली निकाले हैं, बट Neo 2 इज बेटर। गाइज, अगर नाइट मोड में लूँ ना, मैंने ये नाइट मोड कर लिया था, तो देखोगे आप GT ME काफी इंप्रूव करता है अपनी नॉर्मल यहाँ पे फोटो से, बट ओवरऑल डिटेल्स थोड़ी Neo 2 में बेटर आती है, बट दोनों ने ही नाइट मोड में अच्छा काम किया। तो ये लो आपका आ गया भाई, अभी GT ME ने थोड़ा सा यहाँ पे स्किन टोन को डार्क ले लिया, मुझे नहीं पता क्यों, बट स्काई थोड़ा अच्छा ले रहा है, बट मेरे को डार्क ले रहा है तो क्या फायदा है ना, निकल भी डार्क आई है, बट यहाँ पे GT Neo 2 ने मेरे को काफी अच्छा से लिया, स्किन टोन काफी अच्छा से लिया, शार्प फोटो है, मजेदार फोटो है। अब यहाँ पे वैसी आई है जैसे कि दादू की आई थी, थोड़ी कूलर टोन GT में, बॉम टोन Neo में, काफी मिक्स फोटो लेते हैं यार, बट ओवरऑल मेरे को पोर्ट्रेट शॉट थोड़ा GT का अच्छा लगा, मेरी स्किन टोन अच्छी लिया इसने ज्यादा। तो अभी दोनों ही फोन पे 1080p 60fps शूट कर रहा हूँ मैं, तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा नजारा, वाह। तो अभी आप यहाँ से पता लगा सकते हो कलर्स वगैरह कैसे हैं, स्काई कैसा रह जाता है, स्टेबल हो रही है कि नहीं हो रही। ओके, सो इनकेस अगर आप 30fps पे शूट करना चाहते हो तो आपको ऐसा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा जो कि थोड़ा सा बेटर स्टेबलाइजेशन वाला होगा। दोनों में यहाँ पे पोर्ट्रेट वीडियो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, दोनों में ब्लर काफी अच्छा होता है, दोनों में मैंने 40% रखा है, और आप माइक भी एक बार टेस्ट कर लेना किसका ज़्यादा बेटर है। अभी मेरे को थोड़ा ना बैकग्राउंड जो है वो कंसिस्टेंट नहीं लग रहा GT ME पे, बट Neo 2 पे थोड़ा कंसिस्टेंस आ रहा है, तो ये थोड़ा सा फर्क है, बाकी दोनों में ही डिटेलिंग मेरे को ठीक लग रही है। बाकी आप बताओ, क्योंकि मोबाइल स्क्रीन पर इतना नहीं पता चल पाएगा। सो गाइस, दोनों में आप डुअल वीडियो भी बना सकते हो, जो कि काफी ज्यादा एक ना मतलब अनोखी चीज है, थोड़ी सी इनोवेटिव चीज है, जो कि मेरे को बड़ा मजा आता है। सो आप दोनों फोन में ये काम कर सकते हो, जिसमें आपका फ्रंट कैमरा भी यूज हो रहा है एंड बैक कैमरा भी यूज हो रहा है, तो आप दोनों में देख सकते हो एक साथ कैसे यूज हो रहे हैं, ये मस्त लग रहा है यार एकदम।
सो गाइज आई होप आपको ये कंपैरिजन अच्छा लगा होगा। सो ओवरऑल मैं एक चीज कह सकता हूँ, जी टी नियो टू अपने प्राइस पर बहुत अच्छा कैमरा है और एम ई का कैमरा अपने प्राइस पर बहुत अच्छा कैमरा है, क्योंकि एम ई थोड़ा सा भी सस्ता मिल रहा है, तकरीबन 21-22 हज़ार रुपए के ऊपर देखने को मिल जाता है, और इस प्राइस के ऊपर मेरे हिसाब से काफी अच्छा कैमरा, आप इसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपका इतना बजट है। बट आपका अगर बजट ज्यादा हो और नियो टू के बारे में सोच रहे हो, आई थिंक इट्स अ बेटर ऑप्शन, आप इसके साथ जरूर से जा सकते हैं। सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर से करें, मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने चैनल के ख्याल की स्माइलिंग ऑलवेज, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।